फ्राम एल्केन में इफ़ यू रिकॉल यदि आपको याद हो तो हमने एक रिएक्शन uh, वैसे तो नहीं लिखते हैं लेकिन फिर भी ये वाला रिएक्शन लिया हुआ था हम लोगों ने जैसे यहाँ पर ये एच है और इसको हमने यहाँ से केमेनोफोर से ऑक्सीजन केमेनो फोर यूज़ किया हुआ था एंड सो दिस हैज गिवन अस अल्कोहल बनता है यहाँ पर ये एन सी आर टी का रिएक्शन है इसलिए इसको एजट ही याद रखना है दैट इज़ इट सो दिस इज फ्रॉम एल्केन सेकेंड इज फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन फ्रॉम

फिर उसके बाद जस्ट टेक केमेनो फोर वन परसेंट अल्कलाइन केमेनो फोर वन परसेंट अल्कलाइन केमेनो फोर देन यू कैन टेक ओ एस ओ फोर एन एच एस ओ थ्री ओ एस ओ फोर एन एच एस ओ थ्री देन यू कैन टेक ओ दिस इज लाइक ए जी टू ओ एंड फॉलोड बाई वॉटर और यू टेकन हियर वन मोर दर एसेड यानी आर सी ओ थ्री एच एंड एच टू ओ सो जस्ट राइट दोडक्ट इन ईच केस क्या क्या बनेगा क्विकली आप लोग लिखे अपने नोटबुक में क्विकली सम करते हैं इन चीजों को सो सिंस इट इज एल्कीन है हमारे पास एल्कीन में H+H2O लिया तो मार्कोनिकोफ रूल लेंगे यानी काबोगटाइन बनेगा कार्बोगटाइन पहले यहां पे बना

ऑरिएंटेशनल एंटी ओरिएंटेशनल एंटी एंटी इसमें सिन यहां पर सिन है यहां पर भी सिन है इसमें एंटी है इसमें एंटी है राइट सो फ्रॉम एल्कीन वी कैन जस्ट प्रिपेयर दीज अल्कोहल्स कैन इजीली वी प्रिपेयर्ड थर्ड वन एज एंटी नेक्स्ट वन इज इसके बाद क्या आ गया हमारे पास एल्कीन हो गया अल्काइन से डायरेक्ट कोई मेथड हमारे पास नहीं है जिससे अल्कोहल हम बना सकते हैं वैसे मतलब बाकी इनडायरेक्टली अब हेलाइट बना लो हेलाइट से सब्सिप्शन करा दो या एल्किन बना लो एल्कीन से बना लो बट डायरेक्ट मेथड आज सच हम लोग नहीं यूज करते हैं सो इट इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड थर्ड वन इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड अल्काइल हेलाइड में सो व्हाट वन हैव यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग एल्कोहल

यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ एलिमिनेशन हो जाता है इस वाले में रिअरेंजमेंट भी पॉसिबल उस... है दिस एज वेल एच से so well. ये वाला प्रोडक्ट बन बनेगा यानी ओएच OH हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ठीक नो दी जाती रियक्शन एलकाइल का हमने यहाँ पे देखा हुआ है अब इसके अलावा और एलकाइल uh, हेलाइट से हमने ये वाला बना लिया हाँ नाउ जस्ट इनडायरेक्टली हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली हमें ये दिखाई देगा कि आर एक्स लिया हमने जस्ट ट्रीटेड विद एम जी ई थर एम जी ई थर लेंगे तो यहाँ पे आर एम जी एक्स बन गया आर एम जी एक्स का रिएक्शन करा दो किसके साथ एल डी हाइड के साथ एच सी एच ओ के साथ और सी एस थ्री सी एच ओ के साथ देन टेक सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री कीटोन के साथ देन टेक यू कैन से लाइक आर सी ओ सी एल आर सी ओ सी एल आर सी ओ टी आर सी ओ ओ टी सो इन ऑल दीज केसेज वॉट विल हैपन का रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसमें भी एल्कोल वन डिग्री एल्कोहल यहाँ पे टू डिग्री एल्कोहल यहाँ पर थ्री डिग्री एल्कोहल वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल्स बन जाएगा आर सी ओ सी एल में दो इक्विवेलेंट का यूज हम जब करते हैं तब जा करके ये अल्कोहल लेकिन ये टर्चरी एल्कोहल ही बनाएगा टर्शरी एल्कोहल बन गया आर था और आर में हमने आर ये वाला लिया हुआ है आर के साथ तो ये आर और आर और ये आर लग जाएगा ठीक आर में भी आई कराना है सो दिस इज डन फ्रॉम यू कैन से ये कहाँ से हो गया ये आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड से कुछ ऐसे कर सकते हैं और कोई तरीका है अल्काइल हैलाइड में एनीथिंग एल्स इन दिस अल्काइल हैलाइड नाउ फोर्थ वन एच अब हमें क्या करना है यहां पर फोर्थ में एल्काइल हेलाइड हो गया देन इट इज अल्कोहल खुद है ही ईथर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हाँ हाँ एल्काइन से नहीं किया था एल्काइन से कैसे मैंने बोला सॉरी 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 मैंने कुछ और सोच लिया हाँ सॉरी नाउ फ्रॉम ईथर हमें करना है ईथर्स ईथर्स में तो वही जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, एक ही क्लीवेज रिएक्शन है और जब क्लीवेज रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग सो आई होप यू रिमेम्बर आर ओ आर डैश एच आई लिया हुआ हमने एच आई एक्सेस में है एच आई एक्सेस ठीक देन इसके बाद आर ओ आर डैश एच आई एच आई एक्सेस है फर्दर हम लोग देखते हैं इसमें सपोज हमने ले लिया ये वाला ये है देन एच प्लस एच Then CS3 MgBr and then followed by H2O. Similarly, you have you would have taken this one O O and here same reagent is used. So what are the corresponding product? Quickly write it out there. यहाँ पर क्या सबंध है? एक और ये ले लिया, एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पर. I am just taking this one. ये O ले लिया और यहाँ पर ये ऐसे कर दिया. and H H I I S, H I H I X S. So just write the corresponding products in each case. इन कर सकते हैं और जब हमारे पास C एस T M G B R है तो वो कहाँ इस and therefore the product would be like this. कुछ ऐसा ये बन जाएगा यहाँ पे O H आ गया ये कैसे? कैसे होता है क्यों बेसिक टाइप का है ना ये तो रिंग ओपनिंग बताया तो है यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है इसमें क्या रूल है यदि है एसिडिक मीडियम नहीं है तो हमने यहाँ पर इसमें जब हमारे पास सिंपल एक एच आई है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा इस वाले पे जुड़ेगा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला ओ एच हो गया देन वी है यहाँ पर ठीक और एक्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों जगह आयोडीन हाँ, दोनों जगह आयोडीन आ जाएगा दैट इज इट सो दीज आर द मेथड्स इन व्हिच हम लोग यहाँ पर ऐसे अल्कोहल uh, हम लोग बना सकते थे ईथर से देन आफ्टर दैट इसके बाद जो भी आता है जैसे हमने मान लिया यहाँ पर ये यह फिफ्थ में हमने कहा कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसे डेरिवेटिव्स हैं एल्डिहाइड कीटोनस उसके बाद डेरिवेटिव्स यानी एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स तो इन सबको इकट्ठा लिखने का क्या पर्पस है वेरी सिंपल पर्पस ये है यहाँ पर कि इन सब के सब में हम रिडक्शन से हम लोग आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं और रिडक्शन कैसे कैरी आउट होगा बहुत ही सीधा तरीका है यानी कुछ ऐसे सोच सकते हैं हम लोग इसको कि सपोज जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया फॉर एग्जाम्पल एल कीटोन की बात करते हैं तो जनरल इन जनरल हमने क्या पढ़ा हुआ है जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट रिडक्शन रिएक्शन में हाँ

कीटोन एंड एसिड एसिड हेलाइड, हेलाइड को ही रिड्यूस करता है ठीक है देबल एच तो डायबल एच एस्टर एंड नाइट्राइल को एल्डीहाइड हाँ एस्टर एंड नाइट्राइल को एल डी में लेकिन जब हाई टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर इन दैट केस डायबल एच कैन रिड्यूस दिस टू एल्कोहल ये जब हाई टेम्परेचर होता है तभी अदरवाइज नहीं नॉर्मल टेम्परेचर नो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर नो और लो बच्चों नोटिस करना है इसमें नो नो मतलब मेंशन नहीं किया हुआ हो और लो टेम्परेचर इन दैट केस इट गोज ओनली अप टू नाइट्राइल एंड एस्टर्स आर गोइंग अप टू कहाँ तक एल डी तक जाकर के रुक जाता है सर, बेटर लिखा तो हुआ है सामने यार लिखा हुआ है अल्कोहल लिखा हुआ है कैसे होंगे वो मिस्टर मतलब वही दोनों होंगे या फिर सारे हो सकते हैं रिड्यूस जब टेम्परेचर हाई करें फिर बाकी को भी रिड्यूस हम करा सकते हैं ठीक है हाँ लेकिन मेनली यही होता है मेनली हम लोग जो इसमें यूज करते हैं वो यही वाला है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम वेकेंट so पी और वाइटल अवेलेबल है वहां पर एंड सो हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल में रिड्यूस होता है एस्टरसा रिड्यूस टू एल्कोहल देन वी हैव दिस में है खूबी है तो ये तीन तो हो गए हमारे पास ऐसे रेड फॉस्फोरस से चाहिए सबको रिड्यूस कर देता है एल्केन में तो इसमें इसका काम हमारे पास चलेगा ही नहीं सो दिस कैन नॉट बी वर्कड हियर यहाँ के लिए एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको देन वी कैन सी हियर इसके अलावा और कौन सा था हमारे पास जैसे हमने क्लेमेंसन रिडक्शन की बात की थी या हमने वोल्फ किस्नर की हमने चर्चा की थी तो दोनों ही केसेज में क्या है कि वहां पर नथिंग वुड बी वर्किंग बिकॉज दैट इज कन्वर्टिंग टू एल्केन एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता है इसलिए वो काम नहीं करेगा हमारा ठीक और B2H6 यानी हमने यहां पर ये लिख, लिख लिया B2H6 सो so B2H6 और बी टू दिस कैन रिड्यूस एसिड टू एल्कोहल एसिड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है

तो डबल तो बॉन्ड को भी हाँ ये भी रिड्यूस हो जाता है और ये तो रिड्यूस होगा ही होगा ठीक है हाँ ये में ध्यान रखना है इस बात का राइट सो दीज ऑल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कोहल एंड सो हियर आई कैन जस्ट टेक अ फ्यू एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ सो so ये क्लियर है किसी को डाउट है इसमें कोई क्वेश्चन है एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क चलो ठीक है अब इसमें एक समस्या है थोड़ा सा आ, इसको डील so कैसे करें क्योंकि वो समस्या है जैसे देखो यहाँ पर अब इसमें समस्या क्यों है ये बताते हैं आपको ये थे डबल वन ओ लिखा ये लिखा ये जैसे हमने पी डी एच टू लिया अब समस्या इसमें ये है कि नॉर्मली जो तरीका है जो भी हमने पढ़ा है मतलब जो टेम्परेचर चूंकि टेम्परेचर मैंसन नहीं है जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है देन वी से कि सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस नहीं होता एंड डायरेक्टली जो प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए वो ये वाला बनना चाहिए आदि याद है तुमने तुमने पूछा था ये दिखाया भी था मुझे यस yes, सर हाँ तो हमें बनना ये चाहिए था यहाँ पर और लेकिन इसमें एक और समस्या क्या है कि जब आप इसमें एनसीआरटी बुक ओपन करते हो एनसीआर तो टी में डबल बॉन्ड ओ को भी रिड्यूस करके इन्होंने एल्कोहल बना रखा है यानी दिस डबल बॉन्ड ओ विद विच टू दे आर गिविंग दिस वन बट वे कुछ इनफैक्ट टेम्परेचर उन्होंने मिस किया होगा दैट इज वाई इट इज स्टेटेड इन दिस वे अदरवाइज इट शुड नॉट बी क्योंकि यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं देन जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था इसमें कि इवन डाइबल एच कैन रिड्यूस अप टू एल्कोहल तक ये लेके चला जाता है लेकिन जब टेम्परेचर लो रहता है इट इज ओनली अप टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तक जाएगा ये वाला सो दिस कैन बी अप्लाई टू दिस ओनली हमने लिखा हैचर हाँ, ज्यादा हो तब ये इसको भी हम लोग कर सकते हैं और ये मैं इसलिए ये सपो, इसके सपोर्ट में इसलिए है कि ऑलरेडी ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला दो में शायद ये क्वेश्चन आया था नीट टू में प्लीज मेक श्योर कि आप में ये इसको ऐसे ही याद रखना है सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एमिन एल एच और ले रखा है और एसिड भी दे रखा है और एस्टर भी सर वो किसको करेगा रिड्यूस क्वेश्चन लिखो जरा एक बार राइट ऑन द्वेश्चन हियर क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर बेटा हम्म hmm. अब अब एक चीज बुरा मत मानना बेटा आप लेकिन थोड़ा सा आप यदि मैं पूछूं आपसे कि ये सवाल जब आपने लिखा तो आपने अपने दिमाग को कहीं पे रख दिया था वट इज दिस एल एच नाम क्या है इसका ियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्मूला क्या है एल आई ए एल एच फोर ठीक हाँ अच्छा जब एल आई एल एच फोर है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हाइड्राइड हा हम क्यों कहते हैं ये सबको रिड्यूस कर देता है क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है एल्यूमिनियम इज गुड मेटल तो मेटल होने के कारण से H- काफी ज्यादा सोर्स है एंड देयर फोर हमने जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था वहां पर इस बात को भी पढ़ा था कि दिस कैन नॉट बी यूज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यूँ नहीं हम यूज कर सकते बिकॉज दिस एच माइनस विल टेकआउट प्रोटोन एच प्लस जैसे ही एच टू हुआ तो फिर क्या होगा यहाँ पर ब्लास्ट होगा दिस ब्लास्ट एच टू है बॉन्डेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक एंड सो दिस रियक्शन ओन टेक प्लेस

हमने यदि इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया तब जाकर के फिर ये स्टर वाले को करेगा डन yes, चलो हटा दो इसको तो ध्यान रखना बच्चों एल एच में ये खूबी है कि आप उसको पोलर प्रोटिक में यूज नहीं कर सकते लेकिन यदि एन ए बी एच फोर है तो एन ए बी एच फोर कैन भी यूज बिकॉज वो माइल्ड है और उसमें एच माइनस का सोर्स उतना वो पोटेंशियल सोर्स नहीं है उतना ज्यादा नहीं होता

अल्कोहल एल्कोहलिस्से बन जाता है हमारे पास ठीक सिमिलरली मैं कहूं साइनाइड हमने लिया होता तो आर सी के साथ हमारे पास क्या है आर सी लिया इसका रिडक्शन करा दो जब इसका रिडक्शन करा दोगे तो यहां से क्या बनेगा पहले वही आर सी एच एन एच बनेगा आर सी एच एन एच बना फिर से ही वाला रिएक्शन एक्सटेंड एक, कर दो इसको सो यूल है सो दैट इज हाउ वी आर जनरेटिंग दीज ए मीन से हम लोग ऐसे जनरेट करा सकते हैं ठीक

यहाँ से कुछ ऐसे देखते हैं हम लोग इसमें नंबर वन पहला जैसे सपोज हमने ये लिख लिया इसको ऐसे आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग देर एसिडिक करेक्टर ओ एच ले लिया हमने यहाँ पर और ये एन ए ले लिया ठीक तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास यही एच निकल गया यहाँ पर और वी कैन टेक दिस प्लस सी ओ सी एल Then you can take this is C O C L or you can take COET. OEt. So what are the corresponding products in each case H you have a kykaya OH N A. Then you can you can take this one C H3 Mgbr. Then you can take LAH. So what do you expect in each case? Then you can add NA2CO3. NaHCO3. so just write the product in each case. OME OME OH किया यहाँ पर and then this is attacking on this, तो वही वाला रिएक्शन हुआ यहाँ से and then this O star, यानी ये वाला प्रेजेंट है, that is present here. आर के साथ रिएक्शन एल ए LAH में भी वही एच टू एन ए टू सी ओ थ्री के साथ रिएक्शन नहीं होगा टू सी ओ थ्री हम देखेंगे एस टू सीओ थ्री से वो स्ट्रॉगर एसिड है सो इट कैनोट बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन एस टू सी ओ थ्री इज स्ट्रॉगर एसिड एल्कोहल सो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी फॉर्म नाउ ब्रेकिंग दिस सी डबल बॉन्ड ओ यानी सी ओ ब्रेक करना है सो वेन यू हैव टेकन दिस ओ एच एंड दिस एल्कोहल एसो सी एल टू पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव PCL3 ले लिया हमने यहाँ पर नाउ वॉट इज टू बी डन इन दिस केस फर्दर इसके बाद हमने लिया यहाँ पे H प्लस बी आर माइनस और यू कुड ए बी आर एच राइट नाउ इट इज इसके बाद नेक्स्ट में हमने लिख लिया यहाँ पर ओ oh, एच है एन ए बी आर एच टू फोर हो गया एच आई यहाँ से ले लिया हमने एन ए आई एच टू एसो फोर H2SO4. So what are the corresponding products? So just quickly write it out. Right. Okay. Its features. features. Its features. plus features. Its features. Its features. Its features. Its features. Its HCl, Its features. Its features. Its features. Its features. दोनों ही हाँ वो लाटाइल है ठीक है BCL5 इसमें ऐसे ना आई रिएक्शन था ध्यान रखना हम्म NaBr H2 में भी बिल्कुल यही वाला Br आ जाएगा NaI H2 से 4

यानी i- ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी इन दिस के h i इज नॉट अवेलेबल i2 बन अवेलेबल ही नहीं होता अवेलेबल नहीं होता है इसलिए वो रिएक्शन नहीं हो पाती है रेड फास्फोरस h i लक्ष्य जी आप बता रहे थे इसमें रिडक्शन हो जाएगा इसमें कहां से ये वाला होगा rh बन जाता है यहां पर ठीक सो वी हैव गॉट दिस वन c1o को हमने ऐसे ब्रेक किया ये वाला था इसके अलावा और देखो यहां पर और आगे चलते हैं यहाँ पर सपोज हमारे पास जैसे ये अल्कोहल ले लिया हमने मान लो ये वाला अल्कोहल है हमारे पास देन वी हैव दिस अल्कोहल विद फर्दर रिएक्शन कराते हैं इसमें लाइक कॉन्क एच टूसो फोर कॉन्क एच टू एस ओ फोर एच थ्री पी ओ फोर और यू हैव टेकन इट इन दिस वे एच थ्री पी ओ फोर ले लिया हमने यहाँ पर ए एल टू ओ थ्री

डबल बॉन्ड वन परसेंट बी बना सी बना Then do this one. Hmm. So just predict the product. Of these reactions, hmm. so first one is.

ने बना दिया इसको ऐसे ये पेट क्वेश्चन है ये ये लिए एच आई ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये ओपन अप हो गया जब ये ओपन अप हो गया तो ये एक दो तीन चार पांच और ये छठा और ये डबल वन ओ डबल वन ओ डबल वन ओ और ये डबल वन ओ उसके बाद ये पांच का यहाँ पे ये रिंग फॉर्म करेगा एंड सो दिस इज फॉर्मिंग ये ऐसे ये डबल बॉन्ड ओ और ये एच और ये डबल यहां पर ये ये बन गया, ठीक? इन दिस केस MGHG लिया, ये वाला क्या हो जाएगा रिंग बन जाएगी, रिंग हाँ रिंग में पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन है यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे रेडिकल दोनों को जोड़ दो जोड़ दोगे फिर ओ एच वो एच जोड़ दोगे एक दो तीन चार पांच का रिंग बनेगा And so when we have this one, ये एक दो, तीन, चार, का हमने रिंग बना लिया OH और और OH जोड़ दिया और एक के साथ भी रहेगा ठीक करेंगे तो अब इससे क्या बनेगा फिर 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 से फिर से पीना कोलोन टाइप का है ये ध्यान से देखो दे हाँ जस्ट रेट द प्रोडक्ट केयरफुली करो इसको क्या बनेगा सर तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इसमें इसमें पहले आ, ये लेंगे यहाँ से ये ओएच OH गया ये ओएच OH गया इसके बाद रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर आ, ये ओएच OH हमने हटा दिया यहाँ से ये एच और ये वाला हाइड्राइड चला गया, गया यहाँ पर तो ये प्लस और डबल बॉन्ड ओ बन गया हाँ ठीक है बस एज इट इज यहां पर यही वाला रह जाएगा एंड सो यू हैव दिस वन ये मिथाइल और डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा हम्म सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट अल्कोहल उसके बाद अल्कोहल में एक और खूबी है यदि हम टेस्टिंग की बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो वन डिग्री टू डिग्री में दैट वी ऑलरेडी नो कि वन डिग्री हमारे पास एसिड में कन्वर्ट होता है और टू डिग्री कीटोन में सॉरी हाँ कीटोन में आफ्टर दैट

एंड टेस्ट इज बेसिकली वॉट क्या है इस टेस्ट में इस टेस्ट में, नहीं में हाँ हम ये सीधा हमें याद रखना है की थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री और वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में आरबीसी हमें याद रखना है यानी आर बी सी दिस इज आर दिस बी एंड दिस इज सी हम्म तो ये रेड ब्लू थ्री डिग्री कलरलेस ये टेस्ट है अल्कोहल का सो जस्ट रिमेम्बर दैट एंड देन बाकी तो खैर और जो कुछ अलग रिएक्शन वगैरह हैं वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ही रखा है सो विल कंटिन्यू विद दिस एल्कोहल हमारा खत्म हो गया बाकी इथर छोटा सा ही है इथर के भी रिएक्शन सारे हमने वैसे पढ़ ही लिए है यहाँ पर एंड देन वी आर रेस्ट विद फिन फिनॉल के रिएक्शन हमने यहाँ पे किया था तो उसमें आप देखना थोड़ा ध्यान से तो आप होप कि वी आर एबल टू बट बिफोर दैट डू वन थिंग आप लोग एनसीआर जरूर एक बार थ्योरी वाला पार्ट जरूर पढ़ लेंगे उसमें देखेंगे कोई लाइन कोई चीज़ ऐसी आपको नजर आए तो प्लीज मेक इट आउट उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना और जरूर नोट करना उसमें से कोई भी रिएजेंट जहां कहीं भी यूज किया गया हो दैट हैज टू बी टेकन वो जरूर आप रिएजेंट का यूज करेंगे उस कैटलिस्ट का यूज रखना हमें ध्यान रखना है वो हमें जरूर याद रखना है ठीक है प्लीज डू दैट टेक केयर बाकी मिलते अगली क्लास में सर ये इसके सर वो रिएक्शन नहीं पता थी जरूरत नहीं है उसको बस ऐसे याद ही रखना है ठीक है